हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज हमें दा हिंदू में क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे पहले हमारा ये है इंडिया बैक्स यूएन एन रेजोल्यूशन अंगेस्ट इज़राइल फॉर नॉट लिविंग सीरियन गोलन तो देखिए इसमें क्या कहेंगे इंडिया हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो इंडिया ने वोट किया है किसके फेवर में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन यू एन जी ए यूनाइट नेशन जनरल असेंबली में फेवर में वोट किया है दैट एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर इसराइल नॉट विद ड्रॉइंग फ्राम दीरियन गोलन ठीक है तो डीप कंसर्न ओवर इज़राइल है इम्पॉर्टेंट नॉट विद ड्रॉइंग फ्राम सीरियन गोलन तो सीरियन गोलन क्या है ये जान लो आप क्यों क्वेश्चन बन सकता है इस पर तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारा सीरियन गोलन क्या है सीरियन गोलन इज़ अ रीजन इन साउथ वेस्ट एश साउथ वेस्ट सीरिया तो ये जो सीरियन गोलन है वो रीज़न है साउथ वेस्ट सीरिया का दैट वॉज अकोपाइड बाई इजरायली फोर्स जो कि अकोपाई किया गया है इसराइली फोर्स के uh, द्वारा ठीक है तो इंडिया ने वोट किया है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो कि यू में है जिसमें क्या कहा गया एक्सप्रेस किया गया है कंसर्न ओवर इसराइल नॉ इसराइल पे कि नॉट विदड्रॉइंग फ्रॉम सीरियन गोलन कि वो विदड्रॉ नहीं कर रहा है सीरियन गोलन से और जो सीरियन गोलन है वो रिलीजन है वो सॉरी वो रीजन है मतलब एक प्लेस है साउथ वेस्ट सीरिया में जो कि अकोपाई किया गया है इसराइली फ़ोर्स के द्वारा पन पाँच जून नाइनटीन से वन मेंबर जो है यू के उन्होंने वोट किया है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन द सीरियन गोलन अंडर एजेंडा आइटम द सिचुएशन इसमें एजेंडा इसमें क्या है सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट ठीक है मिडिल ईस्ट की बात कर जा रही है ऑन ट्यूजडे द रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाई इजिप्ट जो ये रेजोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है इजिप्ट के द्वारा ये याद रखना देखो कुछ चीज़ें पूछ जाती है कि किसने इंट्रोड्यूस किया एजिप्ट ने किया सीडियन गोलन क्या है ये पूछ लेगा तो ये साउथ वेस्ट आ, जो रीज़न है सीरिया का वो है जो कि अकपाई किया गया है किसके द्वारा इसराइली फोर्स के द्वारा नाइनटीन से ओके तो इसमें क्या हुआ है कि वन मेंबर हैं यू के वज अडोप्टड बाई नाइन्टी वन वोट्स इन फेवर तो नाइन्टी वन ने क्या किया है फेवर में वोट किया है और सिक्सटी टू ने क्या किया है सिक्सटी टू अप्स ठीक है सिक्सटी टू अप्सटेंशन है सिक्सटी टू का और इसमें ऑस्ट्रेलिया कैनाडा इसराइल यूके एंड यूएस ने अंगेंस्ट में वोट किया है ये भी याद रखो इंडिया ने फेवर किया है पर अंगेंस्ट में किनोंने किन ने किया है ये याद रखो अंगेंस्ट में किया है पूछ सकता है कि किसने अंगेंस्ट में किया था तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ठीक है और कैनाडा कैनेडा इजराइल यू के एंड यू एस ठीक है तो ये लाइन याद रखनी है यहाँ से हमें द रिजोल्यूशन ऑफ्सो स्ट्रेस द लीगैलिटी ऑफ द इज़राइल सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन इन दी गोलन तो ये लाइन याद रखनी है किसकी बात यहाँ पर हमारी की गई है इंडिया वैक यूएन रेजोल्यूशन इसराइल फॉर नॉट लिविंग सीरियन गोलन तो गोलन सीरियन गोलन की इस पर बात की गई है जो कि हमें जानना है यहाँ से ओके तो ये हमारा एक न्यूज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ से दूसरा आगे हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है सेकेंड यहाँ से देखो मेजर ऑयल एंड गैस फर्म हैव प्लेस टू गो कार्बन न्यूट्रल तो बहुत सारे ऑयल और गैस फर्म है जिन्होंने क्या किया है प्लेस लिया है कार्बन न्यूट्रल होने के लिए 2050 तक ऐसा कॉ ट्वेंटी कॉ ट्वेंटी एट चीफ ने बताया तो सेवरल ऑयल एंड गैस कंपनीज ने कमिट किया है कि वो नेट जीरो पे आएंगे 2050 तक ऐसा ट्वेंटी एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रेसिडेंट डेजगनेश सुल्तान अल जबेर ने कहा है प्रेस ब्रीफिंग में वेंसडे को अहेड ऑफ टू वीक लॉन्ग यूएन क्लाइमेट समिट जो कि विक शुरू हुआ कब ठीक है वन मिनट हाँ टू लॉन्ग वीक दैट दि बिगिंस ऑन थर्सडे ही डिड नॉट रिवील नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कोई नेम नहीं बताया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे बोला दैट हैड कमिटेड टू अचीविंग द माइल स्टोन मोर इन्फॉर्मेशन वुड बी मेड पब्लिक इन दी कमिंग डेज तो बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा ऐसा अल जबेर जो कि यू ए मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के उन्होंने बताया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आ सिग्निफिकेट नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज आर अलाइंट टूअर्ड्स नेट जीरो टारगेट बाई ट्वेंटी फिफ्टी ओके तो एंड नेट जीरो मीथेन टारगेट मीथेन टारगेट और देखो मीथेन टारगेट और नेट जीरो कार्बन इमिशन दोनों की बात यहाँ पे की गई है तो ये दोनों याद रखना है क्वेश्चन अगर आता है तो 2030 तक करी है इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑयल एंड गैस फॉर्म आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम दे आर अलाइनिंग ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है इट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर ऐसा अलजबेर जो कि मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला ठीक है सी हैं अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के उन्होंने बोला द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई की बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस्टीमेट दैट ऑयल एंड गैस ऑपरेशन अकाउंट अराउंड फिफ्टीन परसेंट तो इसमें पंद्रह परसेंट लगता है टोटल एनर्जी रिलेटेड इमिशन जो कि ग्लोबली होता है और अबाउट फाइव वन फाइव पॉइंट वन परसेंट बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस इमिशन का ये है क्या जो ऑयल एंड गैस ऑपरेशन जो होते हैं ऑयल एंड गैस के वो अकाउंट करते हैं फिफ्टीन ठीक है टोटल एनर्जी रिलेटेड इमीशन के और 5.1 परसेंट टन ग्रीन हाउस गैस इमीशन के अनदर मेजर स्टेप्स दैट कॉप ट्वेंटी एट प्रेसिडेंसी अंडर यू ये सबको पता ही है इसमें लिखा भी हुआ है पर ऑलरेडी आपको पता होगा कॉप ट्वेंटी एट की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है यू और जी ट्वेंटी की इस बार ये किसने किया था इंडिया ने अभी नेक्स्ट कौन कर रहा है ब्राजील ठीक है और अभी कॉप ट्वेंटी एट का कौन कर रहा है प्रेसिडेंसी यू कु टेक क्रेडिट फॉर फॉर वज गेटिंग वर्ल्ड टू मेजर इकोनॉमीज़ जो कि यू एस हैं चाइना है अलाइन टू वर्थ क्लाइमेट एक्शन एंड रेड्यूसिंग मीथेन इमिशन ऐसा उन्होंने बोला है तो ये वाला भी हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये किससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जी एस पेपर थ्री साइंस वाले में आप ऐड कर सकते हो और इन्वायरमेंट वाले में भी ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना है आगे आ जाएंगे नेक्स्ट देखेंगे और आप वीडियो पूरा देखो लोगों को शेयर भी करो और रिस्पांस अच्छा आप दिखाओ शॉ अच्छा मैं एक चीज़ और भी करने वाली हूँ आज से तो जैसे जो जो हम पढ़ते हैं ना उसमें से अगर कुछ छूट गया है या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी में जो जैसे हम कवर कर रहे हैं तो या फिर हमारा कुछ ऐसा रह जाता है तो उसको हम अलग से जो शॉर्ट वीडियो सेक्शन होता है उसमें डाल देंगे और आज से मैं आपको जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट है मेरी उससे मैं आपको मतलब सेम अपने नोट से मैं आपको डिजिटली ये वीडियो करके मतलब टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगी और उसका जो पी है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया करूँगी ठीक है तो आप उसको देख सकते हो नेक्स्ट देखो सोशल जस्टिस सेक्सुअल एजुकेशन द नीड ऑफ़ आवर टाइम तो इसमें क्या कहा जा रहा है कास्ट एंड जेंडर आदि द डीपस्ट सोशल क्लीवेज इन आवर सोसाइटी जेंडर की बात की द इंटर सेक्शन ऑफ दिस टू सोशल आइडेंटिटीज प्ले है लाइफ्स ऑफ एडोलिसेंट यंग अडल्ट इन इंडियन स्कूल एंड कॉलेज हाँ इसका इम्पैक्ट होता है आपको पता है इसके बारे में बात किया है आर निवासन जी ने जो कि मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के तो बातें क्या हो रही है दे आर फ्रीक्वेंट रिपोर्ट इन द मीडिया मतलब कुछ रिपोर्ट्स आए मीडिया में ऑन द कास्ट कॉन्फ्लिक्ट अमंग कॉन्फ्लिक्टेंट यंग एडल्ट एज वेल एज कंसेंशुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडोलिसेंट यंग एडल्ट ऑफ डिफरेंट कास्ट इन्वाइटिंग क्रिमिनल पेनाल्टीज एंड एक्शन एजुकेशन अबाउट सोशल चेंज एंड सेक्सुअलिटी आर क्लोजली रिलेटेड तो इनका कहना है कि जो देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये यहाँ से कि एजुकेशन अबाउट सोशल चेंज एंड सेक्सुअलिटी क्लोजली रिलेटेड है इनका कहना है सर ठीक है ये अपने व्यूज़ इन्होंने इन रखे हैं कह रहे हैं ट्रेनिंग यंग माइंड इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल जस्टिस इज इसेंशियल टू एड्रेस इशू एंड क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी तो क्या कह रहे हैं कि अगर यंग माइंड्स को ट्रेनिंग यंग माइंड्स मतलब अगर ट्रेन किया जाए यंग माइंड्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एंड सोशल जस्टिस इज़ इसेंशल टू एड्रेस ठीक है क्रिटिकल ट्रेनिंग यंग माइंडस इन क्रिटिकल सिंगिंग एंड सोशल जस्टिस इसेंशल टू एड्रेस मतलब ये हम अगर करते हैं तो हम एड्रेस uh, कर सकते हैं मतलब uh, एक सल्यूशन निकाल सकते हैं जो भी इशूज़ हैं जो क्रिएट होते हैं और एक तरीके से क्रिएट किया जा सकता है हेल्दी सोसाइटी को एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी की बात करी जाए तो क्या कहा जा रहा है इन अरारगी हरारगी आपको पता है कि टॉप से लेकर बॉडम तक की जो भी बातें होती हैं सिस्टम की बात कर लो या किसी भी चीज़ में तो एक हरारकी बेस्ड होती हैं ठीक है सीढ़ी रहनुमा की की इसके ऊपर आप कहाँ जाना है फिर कैसे फिर कैसे तो हैरारकी की बात हो रही है और सोसाइटी में और जो और हर जगह हरारकी आपको देखने को मिलती है तो इन हरारकी इन अरारिकल सोसाइटी इट इज़ हार्ड टू क्रिएट वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सिचुएशन कह रहे हैं कि क्या है हार्ड है

वो इंकरेज करता है इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्रेस्ड कम्युनिटी जिसके लिए डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए द स्टेट इवन क्रिमिनलाइज कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो अभी क्या हो रहा है क्रिमिनलाइज किया जाता है कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैं इन रियालिटी अगर बात की जाए दिस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन डिस डिस्टेबलाइजिंग अन एकवल सोशल कोड एंड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रैक्टिस देखो क्या होता है कई बार जैसे कास्ट और आ, कास्ट रिलीजन ये सब की बात करें तो ऑबियसली लोगों के मन में चाहे वो एडोलिसेंट हो या एडल्ट हो अगर बचपन से नहीं रहता तो भी वो इम्प्लान्ट किया जाता है कि वो उस कास्ट के हैं उनको ऐसे रहना है उनको वैसे रहना है ना तो एक तरीके से वो इनबिल्ट कर दिया जाता है बचपन से द आइडिया ऑफ रिटिजनशिप इन डेमोक्रेसी सोसाइटी डिमांड इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ्स ऑफ फेलो सिटीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट वंस लाइफ तो ये सिटीजनशिप की बात यहाँ पर की तो मतलब सारी चीज़ें की चिल्ड्रेन जनरली लुक लुक टू एल्डर फॉर हेल्प मतलब चाहते हैं ना कि उनको हेल्प मिले पेरेंट एंड एल्डरली ट्राई टू कीप चिल्ड्रेन कम्फर्टेबल अंदर प्रोसेस चिल्ड्रेन लर्न दैट दे कैन कमांड अदर्स कि वो दूसरों को कमांड कर सकते हैं अब जैसे क्या होता है कि जैसे इससे वो क्या सीखते हैं ठीक है चिल्ड्रन इससे ये सीखते हैं कि हम भी दूसरों को कमांड कर सकते हैं ऑन कंट्रीडी वी शुड टीच देम दैट सेल्फ हेल्प एट द सेम टाइम सीकिंग हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस और ये कह रहे हैं कि ये वीकनेस की साइन नहीं है अगर हम किसी की हेल्प लेते हैं नो वन इज़ परफेक्ट कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता वी आर ऑल वनरेबल इन मोर देन वन वे कि सब में कुछ ना कुछ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ होती है रादर वीकनेस इज समथिंग टू बी रिकोगनाइज एज इन एविटेबल वेन सीकिंग हेल्प इज़ नॉट अ सेम कि मतलब मदद लेना सेम नहीं है हेल्पिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं अगर मदद लेना ठीक है वन सीकिंग हेल्प इज़ नॉट अ सेम कि मदद लेना शर्म की बात नहीं है तो हेल्पिंग इज़ आ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी की हेल्प करें वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मेक असमोर ह्यूमन एंड सोश सोशिएबल ठीक है वो हमें ज़्यादा ही और बनाता है कि हम कितने मतलब हमारा नेचर कितना Uh, आप एक कह लो कि आपका व्यक्तित्व कैसा है ये बताता है एज अ चाइल्ड into एडोलिसेंट ही रियलाइज दैट वनरेबिलिटी इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ one's फिजिकल फ्रेलिटीज़ बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सेटिंग इन दी लाइफ करेक्ट है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम क्या सीखते हैं एडोलिसेंट एज में जब हम रहते हैं कि हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि आप शोशली वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं या इकोनॉमिकली जैसे जिसके पास बहुत पैसा होता है तो दिखता है ना कि उसके पास स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉग है उसके तो पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है तो आपके मन में आने लगता है कि जैसे तो नहीं कि अगर कोई कुछ भी जैसे बहुत ही उसमें चला तो आप बोलते हो ना कि ऐसा क्या है तो लोग बोलते हैं ना अरे वो बहुत पैसे वाला है ठीक है तो आप दस पैसे बड़े होते हो आपको पता चलता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक सेटिंग भी होती है लाइफ में ठीक है सिर्फ फिजिकल ही नहीं है जिसके बेसिस पे आप देखते हो कि रियलाइज करते हो वर्नेबिलिटी बल्कि सोशल एंड होती है। रिकोगनाइजिंग द एस्पेक्ट ऑफ तो वर्नेबिलिटी की एक स्टेप इन अटेनिंग सोशल जस्टिस ओके एजुकेशन शुड रिमूव नार्सिस्टिक टेंडेंसी दैट वी मे डेवलप इन आवर डिजायर टू कंट्रोल अदर पर्टिकुलरली वुमेन एंड वुमेन एंड वीक उनको वीक माना गया है वुमेन और चिल्ड्रन को Teachers are vital in enabling social justice and education. Teacher would should understand and accept that social justice, uh, a social justice education is essential for well functioning democracy. पर वो भी नहीं समझते ठीक है. Teacher जो है, blaming children for lack of learning potential वो blame करते हैं कि तुम्हे क्यों नहीं आता चिल्ला के बात करना कि तुमसे इतना नहीं होता रात और दिन कि उनको बैठाना पास पूछना कि बेटा तुम क्यों नहीं बढ़ पा रहे तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है मुझसे बताओ ऐसा बहुत कम टीचर करते हैं डिस्करेजिंग चिल्ड्रंस एंड फिजिकल अब्यूजिंग देम ऑब्वियसली तो मारते पीटते हैं डिस्करेज करते हैं कि क्या कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में ठीक है जो और मैंने देखा है स्कूलों में भी आपने भी देखा होगा कि जैसे कोई, कोई बच्चा है नहीं याद होता उससे या कुछ मतलब वो नहीं कर पाया है तो कहते हैं ना तुमसे कुछ नहीं होगा लाइफ में तुम कुछ नहीं कर पाओगे हार्श कमेंट कर देते हैं ठीक है पीटते भी हैं ना दे मार आउटकम्स ऑफ द लैक ऑफ फेथ इन दी सोशल जस्टिस एजुकेशन तो इससे फेथ खत्म होता है बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे वो मारते नहीं थे या वो डिस्करेज नहीं करते थे रादर कि आप बहुत ही परफेक्ट रहे होंगे ठीक है परफेक्ट रहे होंगे आप तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता होगा दो तरह के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी एक तो वो जो कि बहुत परफेक्ट हो दूसरा जो कि टीचर के आगे पीछे घूमता रहे तो दो लोगों को तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होती थी बाकी तो आपको पता है क्लास में लोगों को प्रॉब्लम होती ही थी क्योंकि कभी भी टीचर ऐसा बहुत कम एक दो को अगर आप छोड़ दो ऐसे होते हैं कि जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं इफ़ अ टीचर रियलाइज हेज हर एजेंसी इन द डेमोक्रेटिक एजुकेशन द टीचर फाइंड सुटेबल पैडागॉगी टू टीच सोशल जस्टिस दिस इज़ बिकॉज सोसाइटी इज़ दी वर्कशॉप एंड एकेडमिक मटेरियल गाइडिंग पाथ, ये तो माना जाता है कि आप मतलब होते नहीं कि घर से बोलते नहीं कि बच्चों की परवरिश घर और स्कूल, अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस किया हो जब हम छोटे होते थे हम कितने टाइम स्कूल में रहते थे बल्कि घर आते थे शाम हो जाती थी हम सुबह जाते थे फिर उठते थे फिर खाना खाना वो उससे ज़्यादा टाइम हम स्कूल में अपना टाइम देते थे और उसके बाद कई चीज़ें होती है ना कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को किस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है सेक्सुअल एजुकेशन की बात यहाँ पे आई है डिफरेंट यट वाइटल एजुकेशन सेक्सुअल एजुकेशन इज़ ऑलसो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस एजुकेशन तो कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल एजुकेशन है आजकल आपको पता है सेक्स एजुकेशन की बात बहुत ज़्यादा करी जा रही है आए दिन उठती रहती है तो ये बात की जा रही सेक्सुअल एजुकेशन की कि ये इंपॉर्टेंट है मोर देन प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सेक्स एजुकेशन सेक्सुअल एजुकेशन परहैप्स स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट जेंडर आइडेंटिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल तो बोला जा रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सॉरी तो जेंडर आइडेंटिटीज़ के लिए रिस्पेक्ट करें जेंडर आइडेंटिटीज के लिए और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए उसके लिए सेक्सुअल एजुकेशन किस तरीके से जरूरी है उसकी बात की जा रही है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेंट इन सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल बाउंड्रीज़ मतलब वही है ना कि आपको उसमें सिखाया जाता है कि सारी चीज़ें ठीक है अब जैसे पिंक मूवी है नो मीन्स नो ये सब चीज़ें चल रही थी तो आपने देखी होंगी तो आ, और पुरानी मूवीज़ में ये बताते हैं कि आ, मतलब ना में भी हाँ होती है तो ऐसी चीज़ें फैलाई जाती हैं तो वो सब है ना कि चीज़ें समझाना बच्चों को और बचपन से अगर आप एडलिसंेंट एज में समझाएंगे तो वो एडल्ट में जाके अच्छा उसका मा जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है चा आ, मतलब एडलिसेंट एज में होती है और आप बच्चे होते हैं हो, उसके बाद आप चीज़ें ज़्यादा समझ पाते हो क्योंकि जब आपके हारमोन हारमोन चेंज होते हैं हारमोनल चेंजेस आते हैं उस समय आप ज़्यादा चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट या आपसे मिस्टेक नहीं होती है चाहे वो लड़की हो या लड़का दोनों की बात हो रही है एज़ वेल सबेल्टू टू स्टॉप पर पीट्रेटर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ उससे कैसे बचा जा सकता है या बाद में जैसे माइंड एक क्रिमिनल माइंड हो जाता है रेप की चीज़ें आपको सुनने में आती है तो अगर बच्चे को सा मतलब चीज़ें आप इंफॉर्मेशन स्कूलों में ये पढ़ाया जाए एजुकेशन दिया जाए तो वो शायद ऐसी हरकतें आगे चल के ना करें इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन द रीसेंट जजमेंट रिसेंट जजमेंट जो आया कलकत्ता हाई कोर्ट का उसमें कहा गया चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एक्सेस सेक्सुअल एजुकेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज आपको याद होगा टेंथ क्लास थी शायद हम लोग की नाइन्थ या टेंथ थी जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमारा होता था रिप्रोडक्शन का हमारा जो चैप्टर होता था वो पूरा इंग्लिश में ही बोल के बता दिया जाता था उसको कुछ भी नहीं समझाती थी टीचर क्योंकि उनको होता था कि ना कुछ भी नहीं समझाना रहता था तो हम भी हम लोग भी क्या है कि हमने कुछ नहीं आ, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन ये कितने कि टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं क्या हो सकता है या आप देखते होंगे बहुत सारे आ, टीन प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो ये सब प्रॉब्लम्स इस सबसे चीज़ों से आती हैं तो वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि व्हेन एजुकेशन इज़ अ राइट इट इज़ बट नेचुरल दैट सेक्सुअल एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इट और एक्सेस सेक्स सेक्सुअल एजुकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ सर्विसेज उसके लिए जरूरी है

की बात की जा रही है तो ये क्या है देखेंगे इन दिस हैज़ सोशल जस्टिस कंटेंट एज बॉय एंड गर्ल ट्रीट ईच अदर विथ रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो डब्लड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर जेंडर आइडेंटिटीज़ जो कि ये बात की गई है लेसबियन गे बाई सेक्शुअल ट्रांसजेंडर क्वेर और ए का कुछ होता है और वो नहीं मतलब होता है वो आप जानते होंगे मुझे नहीं पता ओके okay. तो क्या कहा जा रहा है सेक्शुअल एजुकेशन इन द स्कूल विल ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म जेंडर रिलेशनशिप एट होम एंड सोसाइटी एंड विल बी मोर डिजायरेबल आउटकम्स तो चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर के लिए ठीक की जा सकती हैं द एडोलीसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रैटेजी अर्ज टू थाउजेंड फाइव की बात की जाए नेशनल एडोलिसंट हेल्थ प्रोग्राम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ठीक है टू रिसेंट इनिशिएटिव है यूनियन गवर्नमेंट का इसमें और एक चीज़ और बात की गई है कि चिल्ड्रन इवन इन दी प्री स्टेज में जब है हैव अ नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट सेक्स ठीक है उनको क्यूरियोसिटी होती है जानने की कैपिटलाइजिंग ऑन दिस क्यूरियोसिटी टू प्रोवाइड देम द राइट टाइप ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन प्रूडेंट स्ट्रेटजी टू इक्विप चिल्ड्रन टू हैव सेफ एंड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ टू रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट जेंडर प्रेफरेंसेस वाइल्ड कोर्ट इन इंडिया डिबेटिंग द क्रिमिनलाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ कंसें कंसेंशुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप ऑर्डल्स इन द एजुकेशन सेक्टर शुड इंफॉर्म लीगल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप एज वेल देर इज़ नो डेथ फॉर करिकुलम डिज़ाइन टीचिंग एड एंड पेडागॉगी फॉर सेक्सुअल एजुकेशन तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने क्या किया हैज़ इंस्टीट्यूटेड कमिटी जिसमें जस्टिस के चंद्रू एज चेयरपर्सन है उन्होंने रिकमेंड किया है मेजर्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड कम्युनिटी की कास्ट एंड कम्युनिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हटाने को कहा है स्कूल एंड कॉलेज में अदर स्टेट आर ग्रैपलिंग विद दिस इशू मेनी अ टाइम कास्ट क्लासेज हैव लिंक विद सेक्शुअल बिहेवियर तो बता रहे कि कास्ट क्लासेज होते हैं सेक्शुअल बिहेवियर एडोलिसेंट और यंग एडल्ट uh, के मतलब वजह से और सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है इशू का ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज एन स्टेबलाइजिंग द फैक्ट दैट ऑल इक्वल एंड एम्पथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड एकोमोडेशन ऑफ डिफ्रेंस इसेंशियल फॉर हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की गई है टॉक लेस एक्शन तो इसमें तीन लोगों ने बात की है संजय कुमार जो प्रोफेसर हैं विजय कुमार जी जो कि मास्टर स्टूडेंट हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के तो ये सब बात की गई है वर्ड इन इंडिया कैनाडा साउथ अफ्रीका ये सब नो लॉज मैंडेटिंग कोर्स फॉर वुमेन बट पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू गिव अ अर्टन परसेंटेज टिकट टू वुमेन कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया में थर्टी एट परसेंट देते हैं कैनडा में थर्टी वन साउथ अफ्रीका में फोर्टी फाइव एंड स्वीडन में फोर्टी सिक्स देयर पार्लियामेंट येट मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव मोर देन वुमेन इन प्रस्पेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट पर वहाँ पर इतने हैं देर इज एग्जाम्पल फॉर बूथ हैवोप्टेड इन वेरियस कंट्रीज रनिंगल नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान इन द टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इंडियन लेशन एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेवेंटीन परसेंट सीट्स हैं रिजर्व है औरतों के लिए नेशनल असेंबली में बांग्लादेश में फिफ्टी आउट ऑफ थ्री फिफ्टी थर्टी थ्री परसेंट है टोटल सीट वुमेन की तो मेन डिबेट है अबाउट वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन गोइंग ऑन इंडिया फॉर लॉ लॉन्ग इनफैक्ट विल बिल जो है वो रिजर्व कर रही है थर्टी थ्री परसेंट सीट्स कहाँ पे वमेन की अपर हाउस में ठीक है और लोकसभा में बात की गई है तो देखो कहा जा रहा है कि कई जगह बात ज़्यादा नहीं होती पर सीट वहाँ पर है और वहाँ पर देखे भी जाते हैं वुमेन पोलिटिकल लीडर्स पर इंडिया में देखो अभी हमारे भी यहाँ क्या होती है ज़्यादातर बातें होती है कि वुमेन के लिए ये स्कीम है मदर के लिए ये स्कीम है प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये स्कीम है पर अगर आप ये देख लो कितनी औरतें हैं लोकसभा और राज्यसभा में तो आपको पता चलेगा कि इन्वामेंट जो इम्पावरमेंट इम्पावरमेंट की बात की जाती है वो कितनी ज़्यादा एम्पावरमेंट है ठीक है और इक्वालिटी की बात अपने यहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है अंडरस्टैंडिंग रैट होल माइनिंग क्या है वो देखेंगे आ, कल मैंने कहा था ना कि देखो इसी ऐसे ही रैट होल माइनिंग से निकाला गया ना किसको जो हमारे मज़दूर थे वहाँ पे जो फंसे थे टनल में उत्तरकाशी में तो रैट होल माइनिंग क्या है जैसे उनसे निकाला गया उनको वो हम देखेंगे रैट होल माइनिंग टू टाइप इज सो नेम्ड एज इनवॉल्व डिगिंग टनल थ्री टू फोर डीप फीट डीप ठीक है उसको डिग करके खुदाई करके बे, uh, बेर रिय लाइंग वर्कर टू तो क्रॉल इन एंड आउट तो वो किस तरीके से क्रॉल करके बाहर आए दे हैव हाँ टू तो स्क्वाट वाइल्ड एक्सट्रैक्टिंग कोल विद पिक एक्सेस ओके तो रैट होल माइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी प्री में भी इनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बिगन फ्लाइंग दैट होल माइनिंग इन मेघालय टू डिगेडो द कैंपेन इंटेंसीफाइड आफ्टर इम्पल्स मेघालय बेस्ड एन जी ओ बिगन एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर इन सच माइंड तो बोल रहे हैं कि ऐसे माइंड से ह्यूमन ट्राफिकिंग और चाइल्ड लेबर कराया जाता है तो ये बात हुई अनलाइक इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड कोल सीम्स एंड मेघालय आयुर्वेदिथीन देर मिनरा से रैट होल माइनिंग मोर इकोनॉमिकली वाइबल देन ओपन कास्ट माइनिंग तो ये बात की गई ठीक है शॉर्ट वाले सेक्शन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे वीडियो आप देख लो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ट्वेंटी सिक्स मिनट्स के ऊपर हो गई है तो ये वाला हम शॉर्ट सेक्शन uh, जो होता है ना शॉर्ट्स बनते हैं उसमें देख लेंगे और uh, आगे देखते हैं और हमारा कुछ बचा है इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी एंड डॉन ऑफ न्यू मेटर मल्टी लेटरलीज्म तो जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के बारे में सेंटर टू प्रोवाइड ड्रोन किसको फिफ्टीन थाउजेंड वुमेन ग्रुप को यूज़ करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करेगी फ्री फूड ग्रेन स्कीम जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा पाँच और सालों तक फास्ट ट्रैक कोट स्कीम जो है वो टू रन फॉर थ्री मोर ईयर्स और चलाए जाएंगे और आई गेस की हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं तो बस आज के लिए इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग